राहुल द्रविड़ क्रिकेट की दुनिया में लौट आए हैं। भारत को T20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने वाले द्रविड़ अब IPL में राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच के रूप में दिखेंगे। IPL फ्रेंचाइज RR ने इस बात की घोषणा कर दी है। द्रविड़ पहले भी राजस्थान के साथ रह चुके हैं। उन्होंने साल 2011 से 2013 तक टीम के लिए खेला था। राहुल राजस्थान के कप्तान भी रहे थे और फिर साल 2014 में वो RR के मेंटोर भी बने। द्रविड़ ने कुछ वक्त तक दिल्ली डेयरडेविल्स के मेंटोर के रूप में भी काम किया था। बाद में उन्होंने इंडिया ए और अंडर 19 टीम्स की कोचिंग संभालने के लिए IPL को टाटा कह दिया था। यहां से होते हुए द्रविड़ साल 2021 में इंडियन सीनियर मेंस टीम तक पहुंचे थे। राजस्थान में द्रविड़ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कुमार संगकारा के साथ काम करेंगे। क्रिकबस के मुताबिक संगकारा बीते 4 साल से टीम की कोचिंग भी संभाल रहे थे। इस बारे में बात करते हुए संगकारा ने कहा, राहुल इस खेल के महानतम प्लेयर्स में से एक हैं, लेकिन एक कोच के रूप में उन्होंने बीते एक दशक में जो अचीव किया है वो अद्भुत है। एक कोच के रूप में प्लेयर्स को बेहतर करने और हाईएस्ट लेवल पर उनसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करवाने कि जो कला द्रविड़ के पास है वो राजस्थान रॉयल्स को टाइटल्स के लिए चैलेंज करने में मदद करेगी। हमने पहले ही इस टीम के बारे में राहुल के विजन से जुड़ी चर्चा की हुई है और वो रॉयल्स के लिए रिजल्ट डिलीवर करने के लिए तैयार है। अपनी वापसी पर बात करते हुए द्रविड़ ने कहा, मैं उस फ्रेंचाइज में वापस लौटकर बहुत खुश हूँ जिसे मैंने कई सालों तक अपना घर बुलाया था। वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगता है कि मेरे लिए अलग चैलेंज लेने का ये आइडल टाइम है और रॉयल्स ये करने के लिए सबसे सही जगह। द्रविड़ इस फ्रेंचाइज के साथ पहले ही काम शुरू कर चुके हैं। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज रिटेंशन का होगा। BCCI ने इस बारे में अभी तक क्लियर नियम नहीं बनाए हैं, लेकिन जल्दी ही इस पर फैसला हो सकता है। IPL 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होने वाले हैं और इससे पहले रिटेंशन पर तस्वीर साफ हो सकती है। राहुल द्रविड़ ने इससे पहले T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टीम इंडिया से अलग होने का फैसला किया था। इस इवेंट के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था और राहुल ने इसे आगे ना बढ़ाने का फैसला किया। रिपोर्ट्स आई थी कि अब वो अपने परिवार को समय देना चाहते हैं, इसलिए टीम इंडिया से अलग हो रहे हैं। उस वक्त ये भी कहा गया था कि राहुल किसी IPL टीम से जुड़ सकते हैं। राहुल के बाद टीम इंडिया के हेड कोच की पोजीशन गौतम गंभीर को मिली है। कयास थे कि राहुल गौतम की पुरानी फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप्स।